hariambacho welcome back in our computer class today our computer class is based on lesson number 4 using keyboard and mouse and this one is our second session for this lesson and in today's lesson we are going to learn about mouse today we are going to learn about how to use the mouse and the clicks whenever we use mouse we need to use it for dragging things for moving things from one place to other place or for selecting the things okay mouse is click and point hardware device but we will not learn about that right now today we will learn what uh, information we have about mouse in our textbook that only we are going to concentrate in our today's class so let's learn about mouse 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 is also used to give instructions to the computer mouse kis liye use kiya jata hai mouse इसलिए यूज किया जाता है, है ताकि हम हमारे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकें ओके okay. you can use the mouse to select the object you see on the computer screen plus हम और क्या कर सकते हैं कंप्यूटर माउस से हम माउस से ऑब्जेक्ट जो भी हमें दिखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट मींस क्या ऑब्जेक्ट मींस जो भी सिंबल या लोगो या पिक्चर हमें दिखता है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम हमारे माउस को यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ओके नाउ कैसे सिलेक्ट करना है हमें क्या करना पड़ेगा दादा दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ यूजिंग द माउस पहले हमें माउस को यूज़ कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा ठीक है सो लेट्सटार्ट यू कैन यूज़ द माउस फॉर क्लिक एंड डबल क्लिक हम माउस से क्या कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं हम माउस को क्लिक और डबल क्लिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अब ये क्लिक करना एंड डबल क्लिक करना क्या होता है वो हम सीखेंगे टू सिलेक्ट अ प्रोग्राम यू हैव टू प्रेस लेफ्ट माउस बटन वंस कितने बार प्रेस करना है वन टाइम ओनली कौन सा बटन प्रेस करना है लेफ्ट माउस बटन देखो यहाँ पे पिक्चर में लेफ्ट माउस बटन को रेड किया हुआ है दैट मींस दिस इज द लेफ्ट माउस बटन विच वी नीड टू प्रेस ओनली वन टाइम ओके फॉर वट पर्पज़ वी नीड टू क्लिक दैट लेफ्ट बटन टू सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें हमारे माउस का लेफ्ट बटन जो होगा उसे वन टाइम प्रेस करना है ओके और उसे जब हम प्रेस करेंगे तो हमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक साउंड आएगा क्लिक 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 सी आई विल आई विल आई विल क्लिक इट नाउ हाँ आर यू लिसनिंग दैट साउंड टुटुक 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 इट्स सिमिलर टू क्लिक बटन ओके इट्स सिमिलर टू द साउंड क्लिक ओके सो ये साउंड आएगा जब आप उस माउस बटन के लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे ओके नाउ टाइम फॉर लर्निंग डबल क्लिक सिंगल क्लिक तो हमने लर्न कर लिया अब डबल क्लिकिंग क्या होता है वो हम सीखेंगे ओके सी सिंगल क्लिक में यहाँ पे एज यू कैन सी यू कैन सी दिस वर्ड क्लिक मीन्स सिंगल क्लिक एंड इन डबल क्लिक देर आर टू क्लिक 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 राइट सो इससे क्या होगा प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन टू टाइम्स क्विकली कैसे प्रेस करना है ऐसे नहीं कि एक क्लिक अभी किया दूसरा क्लिक दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट बाद किया नो no. आपको इंस्टेंटली टू टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा ऐसे जैसे मैं दादा अभी क्लैप कर रहे हैं ना बस वैसे ही आपको टू टाइम्स क्लिक करना है साइमल्टेनियसली फटाफट एक के बाद एक ऐसे ओके दैट्स हाउ यू नीड टू डू द डबल क्लिक अब इससे क्या होगा दादा प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन टू टाइम्स क्विकली डबल क्लिक इज यूज्ड टू ओपन प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट Paint means जो भी आपको सपोज कोई पिक्चर ओपन करना है कोई फोटो ओपन करना है और कोई आपको अगर प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उस प्रोग्राम के लोगो या फिर जो पिक्चर होता है उसके ऊपर अपने माउस का कर्सर ले जाना है और माउस का लेफ्ट बटन टू टाइम्स क्विकली प्रेस करना है ऐसे ठीक है इससे क्या होगा इससे वो प्रोग्राम या फिर वो फोटो या वो वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगा ओके सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस डबल क्लिक अभी हमने क्या पढ़ा हमने यूजिंग द माउस में दो चीज़ें पढ़ी एक थी क्लिक एंड सेकेंड है डबल क्लिक क्लिक किस लिए यूज़ होता है ताकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सके और डबल क्लिक क्यों यूज़ होता है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोग्राम को कोई साउंड है म्यूजिक है वीडियो है गेम है प्रोग्राम है कुछ भी हो उसे अगर हमें यूज़ करना है ओपन करके देखना है ठीक है तो हमें उसके ऊपर डबल क्लिक करनी पड़ेगी ठीक है सो ये थी हमारे क्लिक एंड डबल क्लिक और ये हमने किस में सीखा यूजिंग द माउस एक हमारा ये जो पॉइंट है इसके अंदर हमने ये सीखा है ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर सेकेंड टॉपिक दैट इज़ राइट क्लिक जैसे आप देख सकते हो हमारे माउस को यहाँ पे टू बटन्स दिख रहे हैं हमें लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक टू क्लिक्स होती है टू टाइप्स के बटन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक बटन होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट क्लिक एंड दूसरा बटन होता है जिससे हम बोलते हैं राइट क्लिक ओके राइट साइड में जो बटन होता है माउस के उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक एंड लेफ्ट साइड में जो बटन होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक सो हमने लेफ्ट क्लिक सीख ली नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द राइट क्लिक ओके इसे भी प्रेस करने पे सेम वैसी आवाज आएगी सेम वैसा ही साउंड आएगा क्लिक ओके सो लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन व्हाट दे आर प्रेस द राइट माउस बटन वंस हमें राइट right साइड का जो माउस बटन है वो वंस टाइम प्रेस करना है वन टाइम प्रेस करना है ओनली किस लिए you, किस लिए प्रेस करना है इट इज़ नोन एज राइट क्लिक इट डिसप्लेस अ शॉर्टकट मेनू ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो कंप्यूटर को तो हम सपोज हमें हमारे पास में एक फ़ोटो है ठीक है जो हमें ओपन करना है और अगर हमें वो फ़ोटो नहीं पसंद है और हमें वो फ़ोटो डिलीट कर देना है वहाँ से हटा देना है तो हम क्या करेंगे हम उस फोटो के ऊपर एक राइट क्लिक करेंगे हमारे माउस के कर्सर को उस फोटो के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे उससे पता है क्या होगा उससे वहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसके अंदर बहुत सारे कमांड्स या जिसे हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसमें से आपको जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है आपको वहाँ पर जाके उसके ऊपर जाके क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक तो वो इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर को अपने आप दी जाएगी जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लोगे उसके ऊपर क्लिक कर लोगे वो इंस्ट्रक्शन चली जाएगी सो दिस इज दिस इज़ वाई वी यूज़ राइट क्लिक टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू गिव कमांड्स टू आवर कंप्यूटर राइट क्लिक किस लिए यूज़ होता है ताकि एक शॉर्टकट मेनू ओपन हो जाए जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो जिसमें से जो इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देनी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या प्रोग्राम के लिए तो हम वो उससे कंप्यूटर को हम वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ठीक है नाउ जैसे कि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास में यहाँ पर एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ है इसमें से अगर मैं किसी के भी ऊपर क्लिक करूँगा तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी या फिर दी जाएगी हमारे कंप्यूटर को तो इसमें से मुझे कोई नहीं करनी है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ राइट सो ये थी हमारी राइट क्लिक नाउ आज का हमारा जो सेकंड सेशन है फॉर लेसन नंबर फोर यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस हमारा सेकंड सेशन यहीं पे फिनिश होता है और साथ ही साथ में हमारा जो फोर्थ लेसन है वो यहाँ पे सेकंड सेशन के साथ फिनिश होता है ओके नाउ अंकुश दादा एक और सेशन बनाएंगे थर्ड सेशन फॉर लेसन नंबर फोर जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स जो लेसन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो सारे सॉल्व करेंगे ठीक है डिस्कशन करते करते सो दिस इज़ ओनली फॉर टूडेज़ क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा ओके okay? और अगर किसी ने चैनल को हमारे अंकुश यादव के कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा ओके सो ओम थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर टूडेज क्लास सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास बाय बाय